त्योहारों के इन मौसम में क्यों ना ऐसी कलरफुल मार्केट जैसी मिठाई हम घर में भी बनाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीतीज किचन। जी आज हम बनाएंगे, देखिए कितनी सुंदर लग रही है मिठाइयाँ, है ना बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आप भी इन्हें घर में बनाइए बहुत ईजी वे में, और सबसे ज़्यादा बढ़िया है इसे हमें घी का भी यूज़ नहीं करना पड़ा है। तो चलिए आज की रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिए हैं 1.5 कटोरी मूंगफली के दाने, इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लिया है। देखिए ज़्यादा जलाना नहीं इन्हें हमें, अब मैंने इसके छिलके निकाल लिए, अब इन्हें हम ग्राइंड कर लेते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने मूंगफली को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ध्यान रहे इसमें मूंगफली के बड़े से टुकड़े नहीं होने चाहिए, अच्छे से ग्राइंड कर लेना है हमें। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें मैंने ला ली है चीनी, तो ये 3/4 कटोरी चीनी है ये, जिस नाप से मैंने मूंगफली ली थी। अब इसमें 1 कटोरी हम पानी ऐड करके, चीनी मेल्ट होएगी तब तक हम इसे गर्म करते हैं। तो यहाँ देखिए चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब इसमें हम ऐड कर देते हैं हमने जो मूंगफली का पाउडर बनाया था, फिर उसे मीडियम टू लो फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए अब इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जब तक ये कढ़ाई से मूंगफली अलग ना होने लगे, पेस्ट जो उसका अलग से ना होने लगे। अब देखिए इसमें मैं बस एक चम्मच ही घी का यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, बस एक चम्मच इसमें घी ऐड करेंगे, फिर इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे। देखिए इसे ज़्यादा गीला नहीं रखना है हमें, थोड़ा सा इसे और कुक करना है। देखिए यहाँ पे इस स्टेज पर हमें, देखिए पूरा ये कढ़ाई से अब अलग होने लगी है मूंगफली का पेस्ट। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, अब इसको अच्छे से मिक्स कर ले। देखिए मैंने एक चम्मच घी डाला था, वो भी इससे अलग हो गया है, इसलिए हमें घी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है, मैंने इसीलिए इसका यूज़ करा था एक चम्मच घी का। तो देखिए अब इसको हमने एक थाली में निकाल लेते हैं। अब बैटर को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं स्पून की सहायता से, देखिए कुछ इस प्रकार से आप कर लीजिए। अब इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। देखिए एक पार्ट में मैं डाल रही हूँ रेड फूड कलर, देखिए 1/4 टीस्पून मैंने डाला है इसको, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी थोड़ा गर्म है इसलिए आपको स्पून की सहायता से मिलाना होगा। अब इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद है वो आप इसमें ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पे हम डालेंगे दूसरे पार्ट में ग्रीन फूड कलर, देखिए बहुत थोड़ा सा मैं ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे बैटर में। तो यहाँ देखिए ग्रीन फूड कलर का डो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने एक पोलोथीन ली है, उसके ऊपर इस डो को रखा है। देखिए जैसा वीडियो में दिखाया गया है आप उसी प्रकार करिए। अब इसको एक बेलन की सहायता से बेल लीजिए, तो ज़्यादा हमें थिक नहीं रखना है, एक थिक चपाती जैसे होती है हमारी उसी प्रकार इसको हमें रखना है। देखो यहाँ पे मैंने इसे बेल लिया है, कलर पूरा टोटली ऑप्शनल है, आप नहीं चाहते हैं तो कलर का यूज़ ना करें। इसको थाली में इस डो को अच्छे से फैलाकर और बर्फ़ी का शेप देकर आप खा सकते हैं। देखिए अब मैंने लिया है रेड वाला डो, अब इसको थोड़ा सा देखिए कुछ ऐसा लंबा कर लेंगे। जो हमारा ग्रीन वाला कलर का डो है उसी की लंबाई में इसे हमें रखना है, देखिए इसी साइज में हमें इसे रखना है। अब इसको हम कवर कर देंगे ग्रीन वाले पार्ट से, देखिए। तो देखिए कॉर्नर से भी आप इस प्रकार से इसे सेट कर लीजिए, फिर पूरे रोल को हम स्मूथ कर लेंगे थोड़ा सा ऐसा बेल कर, फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट्स के लिए, जिससे जब हम इसे कट करेंगे तो बहुत इजीली कट हो जाएगी बर्फी। तो देखिए 10 मिनट्स हो चुके हैं, अब इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स लगा देती हूँ, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स बचे हुए थे, इसमें काजू है, पिस्ता की कतरन है और कुछ बादाम कटे हुए हैं। आपको जो ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं आप वो लगा दीजिए, ड्राई फ्रूट्स आप नहीं लगाना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर जो चांदी का वर्क होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको मैं कट करती हूँ,
देखिए बहुत ही सुंदर लगती है ये और खाने में बहुत ही टेस्टी। जो हमने अंदर भी इसमें ड्राई फ्रूट्स डाले हैं उसका क्रंची टेस्ट आता है, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो देखिए यहाँ पर सारी बर्फ़ी को मैंने कट कर लिया है, बहुत ही सुंदर लग रही है, एकदम मार्केट जैसी। तो आप भी इसे बनाइए और कमेंट सेक्शन मुझे लिख के बताइए रेसिपी आपको कैसे लगी। और यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए जिससे मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक जल्दी पहुँचे।